लेकिन अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम जो है कार से ही दिल्ली तक जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम बस ये था कि भीड़ बहुत ज्यादा मिल जाती, क्योंकि सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। तो इस समय मैं हूँ गुरुग्राम में, तो मैं परसों ही आ गया था गुरुग्राम में। मतलब लिटरली मैं 2 दिन सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सोया हूँ और कोई भी काम किया ही नहीं हूँ। तो फिलहाल अभी आज है सैटरडे, तो आज सैटरडे को प्लान बन रहा है कहीं घूमने जाने का, बट अभी एग्जैक्ट डिसीजन नहीं हो पाया कि हम लोग कहाँ जाएंगे। बट शायद दिल्ली जाएं, वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने, वहीं घूमेंगे। तो फिलहाल अभी वहीं जाएंगे, लगभग वहीं पे ही जाएंगे। और आज का मौसम मतलब काफ़ी अच्छा है, कल भी बारिश खूब हुई थी और आज भी बारिश हो सकता हो, बट मौसम अभी काफ़ी ठंडा है, तो मतलब घूमने लायक वाला भी मौसम भी है। तो अभी सब लोग नीचे जा चुके हैं, बस अभी हम और भैया यहाँ पे घर बंद कर रहे हैं, इसके बाद चलते हैं। तो फाइनली 2 घंटे के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं कैनॉट प्लेस पे। बट आज अच्छी बात ये है कि आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम है, यूजुअली जो भीड़ होती है उतनी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। सैटरडे में मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, बट सही है। तो अभी हम सब जा रहे हैं पालिका बाजार शॉपिंग करने, कुछ बढ़िया कुछ देखेंगे, बढ़िया सामान लेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत ये थी कि शॉपिंग करने के बाद हम लोग की गाड़ी, हमें पता ही नहीं है कि गाड़ी खड़ी हम लोग ने कहाँ की है। मतलब इतना बड़ा है कैनॉट प्लेस है, पर फिर भी किसी तरीके से उस एरिया की पापा ने फोटो ले ली थी तो आसपास का पता लग गया, वरना तो भाई हम लोग ये पूरा रात भर घूमते रहते। बट अभी चल रहे, देख रहे हैं, बट वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो सभी लोग ये चल रहे। फाइनली आ गए पार्किंग वाले एरिया पे, वरना तो भाई थक गए थे पूरा ढूंढ ढूंढ के, थोड़ा सा ही दिक्कत था, पर यही है मम्मी और पापा की हालत ख़राब हो गई आज पूरी। तो फिलहाल अभी घर पहुंच चुके हैं और चेंज कर लिया है अब, और बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है, तो अभी ऑर्डर किया है पिज्जा और पास्ता, तो भी आता ही होगा, नीचे ही है। ये अच्छी बात है कि नीचे ही है, तो थोड़ी देर में यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। और साथ ही साथ मैंने एक फेक जॉर्डन के जूते लिए हैं, वो लोग काफ़ी दिखने में काफ़ी सही लग रहे हैं, महंगा ज़्यादा है नहीं, बट हाँ लगभग दिखने में काफ़ी कूल से लग रहे हैं। तो ये रहा जॉर्डन का जूता, इस तरीके से कुछ है, काफ़ी सही सा कूल सा लग रहा है दिखने में, और बाकी साइज़ भी ठीक ही आ रहा है, तो यही लिया है वहाँ से। और साथ ही साथ ये एक बास्केटबॉल की जर्सी लिए, मतलब ऑफ शोल्डर है, तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ऑफ शोल्डर, आपने देखा होगा, मैंने पिछले वाले व्लॉग में पहना हुआ था इसी तरीके से, तो यही सेम ऑफ शोल्डर मैंने लिया है, काफ़ी ये भी ज़्यादा काफ़ी सही लग रहा है। तो फाइनली हमारा खाना हो गया है और अभी हम जा रहे हैं सोने, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में हुआ क्या था कि मैंने जो है मेडिसिन ले रखी थी, और बेसिकली मुझे व्लॉग को एंड करना था, तो मैंने सोचा खाते खाते मैं व्लॉग को एंड कर दूं, बट अचानक से वो मेरे जो है गले में आके फंस गया, थोड़ा सा वो दिक्कत किया, तो मैं वहाँ पे एंड नहीं कर पाया। और अभी इस समय मैं लखनऊ पहुँच चुका हूँ, लगभग 12 बजे पहुँचा हूँ और अभी 2 बज रहा है, तो बेसिकली हम लोग चले थे 11 बजे और मतलब रात में 12 बजे के आसपास पहुँचे, मतलब बहुत बड़ा सफ़र हो गया, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्रैवल करके थक ही गए, फिर उसके बाद नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा व्लॉग भी एडिट कर देते हैं। लेकिन व्लॉग जो है काफ़ी छोटा बना है, 6 मिनट का है, इसको और थोड़े बहुत को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 7 मिनट का। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। आने वाले ट्रिप्स आ रहे हैं काफ़ी मज़ेदार, तो आप देखिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा, बाय। And you know worth it, you don't deserve it. तो फाइनली वो जगह मिल गई है, यही का मैंने सिनेमैटिक शॉट्स लिया था, इसी जगह का, यही वो एरिया है। फाइनली अब जाके मिली है। I'm just being honest, you haven't earned this. And you know worth it.